हेलो एवरीवन, सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जैसे ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डेट दिया गया है 1/10/2020 को, ये PDF यहाँ पे निकला हुआ है, और जो फिजियोथेरेपी वैकेंसी है यहाँ पे 47 है। एंड स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट, कोऑर्डिनेटिंग एक्सपर्ट जो है वो 62 का वैकेंसी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट की, तो क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि स्पेशल क्वालिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए मास्टर डिग्री का। मास्टर डिग्री कोई भी आप यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, देन आपको ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। देन एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस आपका रहना चाहिए 3 ईयर्स के लिए एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्राइटेरिया रहेगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग, वहाँ पर होगा कैंडिडेट्स लोग का जो भी यहाँ पे जाएंगे। तो कैटेगरी है जिससे कि वो लोग इवेल्यूशन करेंगे, तो टोटल वर्क एक्सपीरियंस एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप अगर रहेगा तो वहाँ पर 20 मार्क्स है। वहाँ पर आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पर काम करेगा। देन वर्क एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स में कहीं पे वर्क आपका एक्सपीरियंस है तो आपका वहाँ पे 30 मार्क्स वहाँ पे है, तो उसमें से आप कितना ऑब्टेन कर पाएंगे उस चीज़ में आपको डिपेंड करता है। देन यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका परसेंटाइल कितना है, आपका 50 to 60% है तो आपको 10 मार्क्स देंगे। आपका परसेंटेज अगर 60 to 70 मार्क्स है तो वो आपको 15 मार्क्स देंगे। देन आपका परसेंटेज अगर 70% से अबव है देन आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे नीचे में आते हैं तो मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी आप कौन से डिपार्टमेंट से किए हैं, स्पोर्ट्स साइंस से किए हैं या फिर मस्कुलोस्केलेटल से किए हैं, ऑर्थोपेडिक से किए हैं या फिर हेल्थ प्रमोशन से किए हैं, इस हिसाब से आपका मार्क्स आपको मिल जाएगी। देन इंटरव्यू प्रोसेस जो होगा, यहाँ पे दिया गया है सारा लिस्टेड किया, और कैटेगरी का इवेल्यूशन कैसे हो सकता है यहाँ वहाँ पे, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और जो क्राइटेरिया रहेगी वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज वो लोग इंटरव्यू आपको देने नहीं देंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका डिग्री का मार्कशीट है वो आपको चाहिए होगा। देन आपका वर्क एक्सपीरियंस, आप जहीं कहीं से भी आप वर्क एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑब्वियसली ज़रूरी है। एंड यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिग्री का मार्कशीट चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, सेम ही है। और अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि हो गया आपका 10th मार्कशीट हो गया, +2 का हो गया, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर कहीं से स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप अगर कहीं पे आप ड्यूटी करते हैं तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लिखवा के लाना होगा। देन नेक्स्ट में आ जाते हैं ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि एज लिमिट, यहाँ पे एज लिमिट जो है 45 ईयर्स एज दिया हुआ है। आप अगर उससे नीचे हैं तो ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आके सीधा यहाँ पे आ जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की जो है पे सैलरी की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे Grade 1 की है तो 40,000 to 60,000 तक है। देन फिजियोथेरेपी Grade 2 के लिए है 60,000 to 80,000। ओके, सो एनुअली इंक्रीमेंट भी यहाँ पे होगा जो कि 7% के हिसाब से होता है। देन आपका टैक्स वगैरह आपका जो भी कटना रहेगा कटेगा, TAD आपको मिल जाएगा। और आपका अगर लीव लेना होगा पर्सनल लीव तो 30 डेज़ के लिए यहाँ पे लीव दिया गया है। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया है उसी लिंक के थ्रू आप अप्लाई कीजिए। अगर इस लिंक के थ्रू आप नहीं अप्लाई करते हैं तो वो लोग आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिक्लाइन कर देंगे। तो लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2020 5 PM तक। ओके, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे ऐसा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये PDF आखिर डाउनलोड कैसे किया जाए। तो सीधा आप चल जाइएगा गूगल में,
और सर्च कीजिएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लिख के जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, आप सर्च मारेंगे तो सीधा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही यहाँ पे आ जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया .nic.in, इसी में आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, वहीं पे सीधा आप क्लिक कीजिएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको क्लिक कर लेने के बाद आपके पास ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का पेज, जहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ओके, तो ये PDF में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, इसी ओपन में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओपन में क्लिक कीजिएगा PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। PDF डाउनलोड कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे जो है सारा PDF डाउनलोड हो जाएगा, और इसी के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका क्राइटेरिया क्या क्या है और आपका लास्ट डेट कैसे, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लिंक आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको यूज़फुल रही होगी, एंड इसी तरह का वीडियो आपको नेक्स्ट पाने के लिए और अपडेट्स इसी तरीके से पाने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी आप फिजियोथेरेपी प्रोफेशन से हैं और मास्टर डिग्री किए हुए हैं, वो चाहते हैं कि आगे तक अपना करियर स्पोर्ट्स में आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनको आप फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को। और थैंक यू सो मच।